हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए सुबह हो गई है, हम सुबह का क्लीनिंग का काम चालू कर दिए हैं। जल्दी जल्दी अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। झाड़ू करने के बाद जल्दी जल्दी फिर मैं पहले चाय बनाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरी झाड़ू लग गई है। देखिए अब मैं सारे कचड़ों को उठा लूंगी, आप देख पा रहे होंगे। यार घर में तो काम बहुत ज़्यादा रहता है, आपको तो पता ही है, जल्दी जल्दी सब काम करना रहता है। सुबह का टाइम भागम भागी बहुत रहता है जो, और आज संडे है, संडे में हर इंसान बिजी रहता है, टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि संडे के दिन सभी लोगों का छुट्टी रहता है, नाश्ता पानी, फिर उसके बाद बच्चों लोग का कपड़ा उपड़ा सब वॉशिंग करना, और फिर बेडशीट वगैरह भी चेंज किए हैं तो वो सबों का करना, बहुत टाइम लगता है दोस्तों। ये सारे सीख ना चिड़िया आती है, घोंसला बनाती है, तो देखो ये सारे झाड़ू को तोड़ देकर ऐसे पूरा कर डालती है। अभी हम बालकनी साफ कर लेंगे, फिर तो मेरा काम हो गया, तो पीछा करना रहेगा। अब मैं तो इसके बाद पहले चाय बनाऊंगी। सुबह से उठा तो चाय भी जाता है एक कप दिमाग से, इसमें है ना। अब मैं जा रही हूँ चाय। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब हम आ गए हैं किचन में, अब चाय बनाएंगे किचन में, आप देख पा रहे होंगे। सॉरी दोस्तों, अभी हम आ गए हैं वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, क्योंकि बेडशीट वगैरह है उसको डाल दूंगी धुलने के लिए, वो अपना क्लीन होता रहेगा। एक तरफ हम चाय बनाएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम पोछा करेंगे, आप देख पा रहे होंगे। मशीन को मैं लगा दूंगी, देखिए फूल वगैरह सब हम कल क्लीन किए हैं, कल डोर कार्टन वगैरह क्लीन हुआ है, अभी उसको लगाना है। अभी ये मेरी मशीन सेट कर दे रहे हैं, एक घंटे पे कार्टन है तो एक घंटे पे हम सेट कर देते हैं तो वो क्लीन होता रहता है। अब इसमें हम लिक्विड डाल देंगे, हाफ ढक्कन एरियल का है, इससे क्लीन बहुत अच्छा होता है। अब मैं चलती हूँ किचन में, फिर मिलते हैं।
जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारी मलाई ज़्यादा जम गई है, उसको अलग से निकाल के हम रख रहे हैं। फिर हम चाय बनाएंगे। चाय के लिए दूध फ्राई पैन में डाल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि अभी मॉर्निंग में चाय 2 ही कप बनेगा, फिर ज़्यादा बन जाने से फिर वेस्ट हो जाते हैं, तो वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। देखिए मेरा दूध बॉयल हो चुका है, अब उसमें हम चीनी और चायपत्ती डाल देंगे। आप वॉच कर पा रहे हैं, देखिए मेरी कुर्ती अच्छी लग रही है ना, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, येलो और रेड बांधनी प्रिंट हमको बहुत पसंद आता है। अधिकतर हम बांधनी प्रिंट के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। चीनी डाल रहे, देखिए अब हम चीनी डाल रहे हैं, हम अदरक लेने गए, अदरक खत्म हो गया था, तो हम इसमें लौंग और इलायची डाल देंगे, थोड़ी काली मिर्च डाल देंगे जिससे चाय का टेस्ट अच्छा हो जाए। थोड़ी मसाले वाली भी चाय हो जाएगी, ज्यादा नहीं, बस दो इलायची डालूंगी। काली मिर्च डाल देते हैं, फिर चाय का टेस्ट थोड़ा गर्म जैसा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब हम इसको लौंग इलायची को कूट लेंगे, कूट के इसमें डाल देंगे चाय के अंदर, जिससे इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा, अदरक नहीं है उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, टेस्ट भी चाय में आ जाएगा। देखिए हम इलायची को कूट लिए हैं, चाय के अंदर डाल दिए हैं, देखिए चाय में मेरी उबाल आ गई है। देखो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, देखो सारे विंडो का खुला हुआ है, पर्दे दिख रहा है ना आपको, और मैं आपको दिखाती हूँ देखो चिड़िया घोंसला कहाँ बना रहा है। देखिए हम बालकनी में भी आ गए हैं, आपको दिखाते हैं बड़ा चिड़िया, देखिए हमारे एसी के पीछे कितना बड़ा घोंसला बना के रखा है। घर में घोंसला बनाना अच्छा होता है, अगर घोंसला चिड़िया बना देती तो उसको प्लीज आप लोग मत निकालिए, वो बहुत अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। ये दिखा ना आपको कितना बड़ा घोंसला बना के रखी है, देखिए ये चिड़िया ना पूरा पूरा छेद कर देती है, देखो दिख रहा है ना आपको, देखो कितना बड़ा घोंसला बनाई है। लेकिन जिस घर में घोंसला बनता है ना वह अच्छा रहता है। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरी चाय को भी आ जाओ, देखिए मेरा चाय हो गया है, अब हम जा रहे हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद पोछा करना, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए, मॉर्निंग मॉर्निंग चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। अब हम चाय को जा रहे हैं छानने कप में, फिर मैं अपने हस्बैंड को जगाऊंगी, हस्बैंड और हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे। पहले जरूर लगा ले, संडे है ना, पास काम ज्यादा रहता है, बच्चे लोग का कॉलेज का बहुत ज्यादा कपड़े हैं, वो सब क्लीन करना है, कल कुछ कर दिए कुछ और बात, कल गए थे कॉलेज तो लोग के कपड़े हैं, अभी लगाना है। हेलो दोस्तों, आप लोग भी चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय। देखिए मेरा चाय रेडी हो गया, आप लोग भी पीजिए। अभी देखिए हम पोछा के लिए आ गए हैं, चाय पी चुके हैं, अब इसमें हम लिक्विड डाल रहे हैं,
इसमें थोड़ा सा हम एरियल डाल रहे हैं, जिससे क्या होता है ना, एरियल लिक्विड भी डाल देने से और वो लिक्विड लाइजोन डाल देने से घर में खुशबू भी भिनी भिनी रहती है और क्लीनिंग भी अच्छी रहती है, देखने में अच्छा भी रहता लगता है। जो आयल वगैरह रहते हैं सब पोछा के साथ निकल जाते हैं। ये हमारा मिल्टन का है, इससे पोछा बहुत अच्छा लगता है और टाइम भी बच जाता है, हैंड से पोछा लगाने में टाइम ज़्यादा जाता है। देखिए मेरा पोछा लग गया है। पोछा लगने के बाद देखिए घर कितना सुंदर लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है। एक बार झाड़ू पोछा हो जाता है तो समझो सारा काम खत्म हो गया। झाड़ू पोछा नहीं हुआ रहता है, क्लीनिंग नहीं हुआ रहता है तो खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। चलो दोस्तों फिर मिलती हूँ मैं, अभी मैं जा रही हूँ।